सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई आज मैं जा रहा हूँ मुंबई, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से पहले मुंबई जाऊँगा, फिर हम सब वहाँ से कहीं और जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे यार, सरप्राइज अच्छी जगह है तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। बट मैं आज जा रहा हूँ और मेरे को 10 बजे निकलना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं किया, मतलब जीरो पैकिंग की है मैंने। मैं मतलब ऑलमोस्ट कल तो मैं भूल भी गया था कि मुझे जाना है, तो अब मेरे को रात को सडनली याद आया था। रात को बहुत नींद आ रही थी भाई, मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं किया है। और मेरे को मेरा बैग छोटा पड़ेगा तो मेरे को जेहका बैग लेना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा एक काम है वो ख़त्म करते पहले, उसके बाद पैकिंग करते हैं, उसके बाद और एक छोटा सा काम है, फिर निकलते हैं भाई। बहुत आज फटाफट हेक्टिक होने वाला है थोड़ा, क्योंकि पैकिंग भी करना है, ज़रूरी है, क्योंकि दो तीन दिन के लिए जा रहा हूँ, मतलब आज का दिन, कल और परसों। लेट्स होप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज आपके भाई का बर्थडे है, तो रात को मुंबई पहुंचेंगे, फिर वहां जाके पता नहीं क्या प्लान है। वैभव के घर पे जाएंगे, वहां पे कुछ पता नहीं क्या होगा, बट आज जाना मुंबई ज़रूरी है, क्योंकि कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। तो आज मुंबई पहुंचना है भाई, बाकी पैकिंग करते हैं, फिर मिलते आपसे वापस। सो गाइस, तो पैकिंग डन हो चुका है भाई, मेरा पैकिंग हो चुका है। ज़्यादा कुछ तो है नहीं अपने, तो भाई लड़कों को क्या लेना होता है भाई, 2-3 चीज़ें ही तो लेनी होती है, वो ले लिया भाई। अभी मैं बाकी सब आसपास लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि वो लोग मिलने आए थे तो मैं था नहीं, मैं क्लासेस ले रहा था बच्चों के। दोस्तों ने सुबह सुबह भाई सरप्राइज़ दे दिया, सुबह सुबह मतलब मैं चालू क्लासेस से, बच्चे भी डर गए थे उनका सरप्राइज़ देख के, बट बहुत मज़ा आया भाई, क्योंकि दो और दोस्त थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, वो आज मेरे बर्थडे पे यहाँ पे थे, बहुत अच्छा लगा। जिनके साथ मैं रहता था गांधीनगर में, वो दोनों लोग भी यहाँ पे थे, तो अच्छा लगा भाई, उन लोगों ने भी सरप्राइज़ दिया सबने मिलके। तो अभी मैंने पैक वैकिंग कर लिया भाई, मैं थोड़ा बहुत खाना पीना करके पहले लोगों से मिल लूँ, उनके बाद फिर मैं आगे का प्लान करता हूँ, निकलता हूँ 10 बजे। अभी तो है आधा घंटा मेरे पास, तो सब काम हो जाएंगे ठीक से भाई। तो भाई ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़ी है, तो बस अभी अंदर जाते हैं फटाफट, एसी में बैठते हैं क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी है। मैं हूँ अभी ट्रेन में, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं भाई, ट्रेन थोड़ी सी लेट है 20-25 मिनट। बीच में आंटी ने मुझे थोड़ा सा नाश्ता दिया ज़बरदस्ती, बहुत प्यार से दिया, तो मैंने खा लिया। सारा खाना पीना नाश्ता यहाँ पे रखते हैं भाई, अभी खा लिया फिलहाल, नहीं तो कुछ मांग ही लेते इनसे भाई। बेटर होगा ट्रेन में, मुझे किताब पढ़ने का टाइम मिल जाए, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि घर पर टाइम नहीं मिल रहा। मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये भाई, ये है द मोस्ट फेमस गोल्डन ब्रिज भरूच का, इतना पुराना है ना भाई, अंग्रेज़ों के टाइम का ही। सूरत स्टेशन पे पहुँचे हैं भाई, सूरत स्टेशन से बहुत यादें जुड़ी हुई है, 6 साल मैंने यहाँ से मुंबई ट्रैवल किया है भाई, इतना मज़ा आता था ना मेरे को। जब भी आओ मुंबई में, खुदा तो रहता ही है भाई, खुदेगा नहीं तो मुंबई नहीं है। मैं तो पहुंच चुका हूं भाई, अभी बहुत लेट पहुंचा हूं, अभी वैभव का वेट कर रहा हूं, वो नीचे आएगा, उसके बाद हम लोग कुछ सामान लेने जाएंगे,
फिर जाते हैं घर पे, मिलते हैं बाकी लोगों से। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज उतर Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ashu, happy birthday to you, may God bless you, thank you, may God bless you. So guys, that's it. अभी हम सोने जा रहे हैं भाई, कल जल्दी निकलना है, तो इस ब्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं। कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। हर हर महादेव।